चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, कुछ तो समझ में आता होगा। हमारा एरिया ऐसा कि नॉर्मली बिल्कुल ही क्लासरूम की बात होती है, जो बच्चा शुरू से ही पढ़ना होता है। हमारा जो रिसर्च एरिया है वो स्टूडेंट टीचर का करिकुलम, तीन एरिया है हमारे। तो बच्चा तो शुरू से स्कूल में पढ़ रहा होता है, तो उसका बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत गलत बात है कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। कि बचपन में हम ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता था, टीचर किसी बच्चे को ज्यादा प्यार करती थी, किसी को कम प्यार करती थी, कुछ भी हो सकता है। जनरेट तो करो, सोचो तो सही, कुछ एक्सपीरियंस तो बनाओ। तो सभी लोग साइंस में अगर कहा जाए तो कुछ चीजें ऐसी होती है, जब तक आप पढ़ो नहीं, देखो नहीं, तब तक जनरेट नहीं होगी कि कौन कौन सी थ्योरी, नॉन थ्योरीज क्या कह रही है, आगे इसकी बात करनी है। अभी हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे एरिया जहाँ डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे जो फील्ड है, तो उनके खुद एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बहुत अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम में सामने आते हैं। वो रिसर्च प्रॉब्लम पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, क्योंकि उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ में कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ जरूरी है, इस पर रिसर्च करके देखी जाए, ठीक है ना। तो हमारे तो जैसे क्लास में बच्चा तो शुरू से ही, हर बच्चा क्लास में जाता है और क्लास में प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। देखने वाली बात है कि उसने कभी देखा, सोचा, जाना, समझा कि हाँ ये एक प्रॉब्लम की तरह होती थी, उस समय थी, लेकिन फिर उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, ऐसा हो गया। तो जब हम यही कहते हैं कि अपना दिमाग थोड़ा सा चिल्लाने की कोशिश करो और निकालो कि कोई प्रॉब्लम है ठीक, हमें तो उस पर रिसर्च करो, या करें इतनी सारी चीजें आ रही हैं उस पर तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस हो तो उस पर काम करो। जितना अपने एक्सपीरियंस पे काम करोगे उतना ही अच्छा काम होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कई सारी बारीकियां समझ में आ जाती है खुद ही। नहीं, ये काम में ऐसा होता था या उस काम में इस तरीके का काम होता था। फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड नॉलेज वैल्यू अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च एज अ सोर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल जो तुमने किया, ठीक है, जो किया है। साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं बहुत सारी चीज़ों को शुरू से कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात होती है, लेकिन उस पर सोचना नहीं चाहते कभी भी कि ये भी प्रॉब्लम्स पे रिसर्च की जा सकती है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जो हमने बिल्कुल खुद करा, खुद करके देखा, फिर ऐसे नहीं हुआ, तो उस पर रिसर्च की कितनी पॉसिबिलिटी होती है, वो सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसके आता है। इसके बाद आता है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर, जिसे रिव्यू लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि जितना भी रिसर्च वर्क होता है उसमें सबसे बाद में कुछ सजेशंस दिए होते हैं, सजेशंस दिए होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सर्वे आते हैं, बहुत सारे सर्वे होते हैं जिसमें सारी रिसर्चेस को इंक्लूड किया जाता है और उसमें आगे क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में कि आप किस किस चीज को काम पर काम कर सकते हैं। ये नॉर्मली सारे रिसर्च वर्क में ही होता है, आप किस तरीके से और काम कर सकते हैं। व्हेन वन लुक एट बुक आर्टिकल्स सर्वेज और क्लिनिकल इश्यूज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन में अराइज He describes the reader's mind by stimulating imagination and directly that additional research needed. जितना भी आपका रिव्यू लिटरेचर है, जितना भी आप रिसर्चेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना भी आप पढ़ते जा रहे हैं, उतना ही आप उस चीज को और करने की पॉसिबिलिटी में आते हैं, क्योंकि उसमें उसकी आगे की पॉसिबिलिटी के बारे में लिखा होता है। सजेशंस लिखे होते हैं कि अब आप इस और एरिया में, जो रिसर्चर होता है वो अपने एरिया को डिफाइन करता है और मे भी पॉसिबिलिटी बताता है कि आप किस किस और फील्ड में इस चीज को कर सकते हैं। अगर हमने इस चीज को प्राइमरी लेवल पे करा, सेकेंडरी लेवल पे भी कर सकते हैं, अब हायर पे भी कर सकते हैं, या हमने अगर किसी एक मीडियम में बताया तो दूसरे मीडियम पे भी कर सकते हैं। अगर हमने मार्केट के इस पार्ट पे किया है तो मार्केट के उस पार्ट पे भी रिसर्च को कर सकते हैं, बताते हैं। तो सब इसी के
फाइंड फॉल्स सही है फॉल्स फाइंड करता है। फॉल्स फाइंड करते हैं कैसे? उस चीज को बहुत एनालाइज करते हैं और फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या उन्हें लगता है कि वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं रिगार्डिंग टू द सोसाइटी या पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पेंटर था, उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और एक जगह लगा दी और कहा उसमें कि इसमें जो जो कमी हो वो लोग बाग वहाँ डॉट लगा दे। दूसरे दिन देखा उसने उसकी पेंटिंग खाली पड़ी, इतने डॉट लगे। ठीक है, फिर तीसरे दिन उसने वो पेंटिंग बनाई और उसमें उसने नीचे लिख दिया कि इसमें जो भी कमी हो उसे सुधार दे। तो किसी ने कोई एक डॉट भी नहीं लगाया। जो क्रिटिक्स होते हैं वो मेनली वो लोग होते हैं जो उससे बेटर जानते हैं। ठीक है, तब वो चीज को एनालाइज करके ये बताते हैं ये कमी है और इस तरीके से ठीक हो सकती है। क्रिटिकल असेसमेंट वो होता है, कमी बताना और सही नहीं बता पाना क्रिटिकल चीज नहीं होती है। जो क्रिटिक्स होते हैं वो सही क्या होगा ये बता पाने में, यानी कि जो काम करा उससे भी बेटर पोजीशन में होते हैं क्रिटिक्स, उससे भी ज्यादा जानकारी वाले होने चाहिए, तब वो उस कमी को बता पाएंगे। हम तुम्हारा क्रिटिकल अप्रेजल देंगे और हमें जब तुम्हारी उस चीज के बारे में पता नहीं है तो हम कैसे देखेंगे? अगर हमें उस चीज के बारे में पता है तब हम आपकी एक क्रिटिकल एनालिसिस आपके काम की कर सकते हैं कि नहीं इसमें ये कमी है ये ठीक हो सकता है। तो जो क्रिटिकल वाली थी एक तो उस सेंस में हो जाता है कि ये चीज कमी थी आप इस तरीके से और रिसर्च होती है। तो कई बार की बहुत सारे लोग रिसर्च करते नहीं ये चीज अगर इस तरीके से की जाए तो वो ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, अगर ये चीज करी गई है लेकिन अगर ये दूसरे ढंग से की जाए तो ज्यादा बेटर होने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि अगर इसमें ऐसा कर दिया जाए तो वो ज्यादा ठीक होगा ये बताने की कोशिश होता है। दूसरा, प्रीवियस रिसर्च जितने भी काम हुए हैं पहले उनको देखकर उनके सजेशंस को फॉलो करते हुए उस काम को करना। ठीक, फिर इसके बाद आता है जो प्रीवियस रिसर्च थी, इसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, रिसर्च एम, रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन, रिसर्च गैप। जब हमने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की तो उसका सोल्यूशन नहीं था, वो एक गैप है। वो एक गैप है जिसको फाइंड करने के लिए हमने कितना इन्वेस्टिगेशन किया, हमने कितना काम किया, तो उसको पूरी तरीके से भरने की कोशिश की जाती है। तो हमारा जो रिसर्च एम है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस पढ़ी है अपन? प्रेडिक्शन कि क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सब चीजें इससे रिलेटेड है। एग्जिस्टिंग थ्योरी, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड थ्योरी टेस्टिंग। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने लगातार एजुकेशन ने इस बारे में सारी बहुत सारी थ्योरीज बनाते हुए लिखते हुए। अब इन थ्योरीज को जितनी भी जैसे कि जो प्योर साइंस नहीं है, चाहे साइकोलॉजी की बात करें, चाहे सोशियोलॉजी की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, जो प्योर साइंस है उनकी तो फैक्ट है तो है। जैसे हमने जब वो डिसिप्लिन पढ़े थे कि तीन पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें हमने मैथ्स को और लॉजिक को छोड़ दिया। हमने किसी ने कहा कि मैथ्स को नहीं शामिल किया था, क्यों? फैक्ट बेस्ड होती है मैथ्स, तो 2 × 2 = 4 ही होगा। कोई भी थ्योरी इस पे अप्लाई होगी या दूसरी? नो मैम, किसी भी तरीके से होगी? नो मैम, नहीं होगी। ठीक है, तो मैथ और लॉजिक को छोड़ दिया गया था तब उसके बाद डिवीजन थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, जो है तो वो है, इसके अलावा कोई बात हो ही नहीं सकती है। बाकी चीजों में पूरी रिसर्च की पॉसिबिलिटी होती है। कोरोना के बारे में इससे पहले कि वो इतना ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा और ऐसे बिल्कुल पेंडेमिक की तरह फैल जाएगा, सोचा था? कोरोना था पहले भी, तो कितनी रिसर्च की पॉसिबिलिटी थी हर चीज में रिसर्च की। पर एक बार एक थ्योरी
उसमें रिसर्च की पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं होती है इसमें? और प्योर साइंस के अलावा जो दूसरी साइंस है जैसे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इसमें अपार संभावना है। एक इंसान ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, सभी अलग अलग है, अरबों लोग हैं, अरबों लोगों को ये पूरी साइकोलॉजी अप्लाई हो जाती है? नहीं होती। हम कुछ हजार लोगों पे रिसर्च करके एक फैक्ट को जनरलाइज करते हैं, तब तक दूसरा आ जाता है, तब तक दूसरी बात आ जाती है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, नहीं वैसा नहीं वैसा भी हो सकता है। तो थ्योरीज पर ही रिसर्च की पॉसिबिलिटी बहुत होती है, थ्योरीज पर ही रिसर्च की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। कभी कभी तो कंट्राडिक्शन होता है, एक थ्योरी एक बात करी दूसरी थ्योरी। हम एक एक अगर पर्सनैलिटी की देखें या मोटिवेशन की देखें, लर्निंग की देखें, लर्निंग की हजारों थ्योरी है, वो इतनी आपस में कंट्राडिक्शन, तो दो थ्योरी को मिला के रिसर्च कर दो। लर्निंग में केवल एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि रीइंफोर्समेंट जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर लर्निंग। बाकी और सबकी सबके सब कहते हैं नहीं, एक ने कहा कि रीइंफोर्समेंट बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है, जबकि सबने कहा कि रीइंफोर्समेंट बहुत इफेक्टिव फैक्टर होता है लर्निंग के लिए। मतलब उसने सबकी थ्योरी को डिस्कार्ड करके अपनी नई थ्योरी पर रिसर्च कर दी और उस चीज को प्रूव किया। इतनी वो भी थोड़े छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को डिस्कार्ड करते हुए अपनी थ्योरी रख दी कि नहीं, रीइंफोर्समेंट फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लर्निंग तो अपने आप हो जाएगी। जबकि सब लोग कह रहे हैं कि लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट बहुत इफेक्टिव है, उसके बिना हो ही नहीं सकती है। छोटा बच्चा भी जब चलना शुरू करता है ना, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है, वहाँ पे ले लो ये ले लो, तब वो एक एक कदम चलता है, लर्न करता है ना, तो रीइंफोर्समेंट है जिसकी वजह से वो चल रहा है। और उसमें सबकी थ्योरी, तो हर रिसर्च में चाहे वो साइंस हो चाहे साइंस रिसर्च की पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है, कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं है। इतने सारी बातें आ रही थी कि इतना फैला कोरोना, इतना फैला, किसी का भी प्रेडिक्शन ये था कि इंडिया में इतना ज्यादा नहीं फैलेगा क्योंकि इम्यूनिटी लेवल हाई है। WHO ने एक बार भी यूट्यूब से भी कहा था कि ऐसा हो सकता है कि इम्यूनिटी लेवल हाई होने की वजह से इंडिया में इतना नहीं फैलेगा, बाकी तो कहते बिल्कुल इंडिया में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो बिल्कुल ही खत्म। कितनी रिसर्च की पॉसिबिलिटी होगी कि इम्यूनिटी में इतना ज्यादा इसकी वजह से थोड़ी लो हो गई अपने आप ही, नहीं तो हमारा तो इतनी मेडिकल केयर ही नहीं जितनी बाहर है, हम लोग तो बिल्कुल ही आधे हो जाते कि नहीं। लेकिन वो तो देखिए कि आप लोअर लेवल पे देखिए है ही नहीं, लगभग लगभग जितना हायर लेवल है उतना ही ज्यादा है। तो ये प्रेडिक्शन किसी का नहीं था, कोई थ्योरी ये नहीं कह रही थी कि ऐसा होगा। तो रिसर्च की जहाँ हो चुकी है रिसर्च, जो थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है उस पर भी रिसर्च की पॉसिबिलिटी बहुत है, वो थ्योरी पर ही रिसर्च करना, फिर अपनी बात को जस्टिफाई कर पाने की कैपेसिटी होना, तो तभी होती जब आप उसका रियल वर्क करें। तो ऐसे फेक से नहीं होता है,
जनरली रिसर्च की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी संभावित है, ये सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है आपने क्या सोशल इशू। अब सोशल इशू किसी भी तरीके के हो सकते हैं, किसी भी तरीके के सोशल इशू हो सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। क्लास में अगर वैसे देखा जाए क्लास में बच्चे शैतानी क्यों करते हैं, ये भी बहुत बड़ा सोशल इशू होता है। या टीनेजर बच्चे सही कलर बिहेव क्यों करते हैं, बहुत बड़ा सोशल, या किस तरीके का पैटर्न क्यों है, ये सोशल इशू है। डाउरी है सोशल इशू है। तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सोशल इशूज में आती हैं, जो कि अपने आप में सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का काम करती हैं। इसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आर गुड टेक्निक टू फाइंड न्यू रिसर्च प्रॉब्लम। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने देखा है, छोटे छोटे बच्चों की क्लास में ब्रेन स्टॉर्मिंग कराया जाता है, क्या होता है, क्यों शुरू से वाली बातें। पहले तो हम लोग क्या ये सब चीजें माइंड डेवलपमेंट के लिए पहले तो थी नहीं ना, अब ये चीजें डेवलप हो रही। जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में फर्क होता है, और क्रिएटिविटी आप जितना देखो जब होगा, जितना आप उनको दिखाते जाएंगे बताते जाएंगे उतनी ही आपकी चली जाएगी। यही ब्रेनस्टॉर्मिंग के जितनी प्रोसेसिंग आप दिमाग की कराएंगे उतना ही वो चलेगा, जितना बंद कर देंगे उतना ही बंद हो जाएगा। तो छोटे बच्चों में ये वाली चीज को शुरू से ही समझ देना कि किस तरीके से दिमाग को चलाना चाहिए, किसी चीज पे किस तरीके से ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए, एटीट्यूड बनाना चाहिए। किसी चीज को देखने का नजरिया, किसी चीज को देखने का नजरिया, ठीक है। और एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड है, कैसे डेवलप होता है। कोई भी चीज दुनिया में अपने आप में सही और गलत है ही नहीं। बचपन से आपको जिस चीज के बारे में जैसे समझाया जा रहा है, ये अच्छी ये गलत ये बुरी ये सही, आप उसी तरीके से उस चीज को देख रहे हैं, वही एटीट्यूड आपके दिमाग में डेवलप हो रहा है। कहा जाता है बच्चे का एटीट्यूड अपने आप डेवलप होने दो, उसके ऊपर थोपो नहीं कि नहीं ये सही है गलत है, उसे खुद ही ऑब्जेक्टिवली सोचने दो क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उसके सामने दोनों चीजें रखो, बोला जाता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, अगर घर में नहीं ये चीज गलत है तो गलत, ये चीज सही है तो सही, और फिर धीरे धीरे स्कूल में धीरे धीरे सोसाइटी में जैसे जैसे आता जाता है वैसे उन चीजों को समझने का काम होता है। जबकि जो चीजें हमारे यहाँ गलत है दूसरी जगह सही है दूसरे देशों में, और कोई चीज हमारे सही है वहां गलत है, तो वो चीज अपने आप में तो कुछ भी नहीं है। अगर हम छोटे से एग्जाम्पल लें नॉन वेज का, जो लोग नहीं खाते उनके लिए बहुत गलत और जो लोग खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, अब वो नॉन वेज अपने आप में तो कोई सही गलत है ही नहीं ना, वो चीज की क्या है, वो तो एक सिर्फ एक चीज है। जहाँ जब खाना नहीं है तो वहां तो उनकी नीड है, वो तो खाने की खाना है फूड है उनके लिए, नॉन वेज मर तो ना जाएंगे अगर नॉन वेज नहीं खाएंगे, ठीक है। जो वो लेकिन हम जैसा नजरिया बना देते हैं वैसा ही एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे को खुद देखने की क्षमता होनी चाहिए कि ये चीज सही है गलत है, मेरे लिए सही है कि मेरे लिए गलत है। जबकि हम कई उदाहरण ऐसे देखेंगे जो चीज हमारे यहाँ सही है वो दूसरी जगह गलत है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल गलत है दूसरे देशों में वो चीज बिल्कुल सही है। जो रिसर्च होती है वो कल्चरली भी देखी जाती है, सांस्कृतिक तौर पे भी देखी जाती है, जो थ्योरीज होती है वो चीजें फिट है कि नहीं। क्यों, अब हमने मॉरल वैल्यूज की अगर बात करें तो हम मॉरल वैल्यूज में पैर छूना नमस्ते करना ये हमारी मॉरल वैल्यूज है, क्या हम यही टेस्ट वहां लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी मॉरल वैल्यूज दूसरी है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर उसने वो फॉलो नहीं किया तो उसके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है, वो तो है ना, लेकिन वो दूसरी तरीके से डिफाइन होती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे जिनको बच्चों को खुद ही अपने आप समझने की क्षमता होती है। हमारे यहाँ के छोटे बच्चे इस तरीके ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीज जानते ही नहीं है कि कैसे दिमाग की प्रोसेसिंग की जाती है। अब ये नया आइडिया आया है कि बच्चों को ही दिमाग की प्रोसेसिंग करना सिखाया जाए तब दिमाग चलाने वाली बात।
करके लाएगा बच्चा, बस उसी चैप्टर में से उसी क्वेश्चन को करके ले आएगा, कोई दिमाग चलाने वाली बात नहीं, बस क्वेश्चन कहीं किसी चीज़ से मिलने लगेगा इससे उसको उठा पाएगा। अब दिए जाते हैं असाइनमेंट के पास, असाइनमेंट पर क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो ही डिफरेंट होते हैं, वो रिलेटेड नहीं होते हैं, एप्लीकेशन वाले होते हैं, और उसको बच्चे अपनी क्रिएटिविटी से सॉल्व करके उसको बना के लाते हैं, तो वो अपना दिमाग चलाता है, ब्रेन स्टोरिंग करता है। तो जितना बचपन से जिस चीज़ को सीखेगा आगे चलकर उसको उसी तरीके की पॉसिबिलिटी होती है करने की, और जितने नहीं चलाता ना दिमाग जो होता है ना वो हीरे की तरह होता है, जितना उसे तराशोगे उतना ही शार्पन होगा, और जितना बंद करो ना उसको पर धूल चल जाएगी, आईक्यू लेवल नहीं बदलेगा लेकिन धूल जरूर चल जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं बचपन में, स्पेशली गर्ल्स की बात करूँ तो टेंथ तक ग्रेजुएशन तक स्कूल कॉलेज में होती है, बड़ी अच्छी होशियार होती हैं, बहुत एक्टिव होती हैं, लेकिन जहाँ वो किसी प्रोफेशन को नहीं चुनती हैं और शादी आदि हो जाती है, घरों बैठ जाती है, बार बार से दिमाग दर्द हो जाता है। तो मतलब जो बहुत होशियार रही होती हैं वो भी उनकी कभी मतलब अपनी बात को जस्टिफाई करना या अपनी बात को रखवाना नहीं कर पाती है, क्यों, क्योंकि दिमाग चलना बंद हो जाता है ना, जब दिमाग चलना बंद हो जाता है तो वो मतलब होते हुए भी सोच नहीं पाती है। जितना चलता रहता है जितना रहता है, जितनी जैसे मशीन है ना जितनी चलती रहेगी उतनी तेज जाएगी, ऐसे ही दिमाग जितना चलता रहेगा जितना चलता रहेगा उतनी तेज रहेगा। अभी पढ़ रहे हो, अभी कोई एग्जाम हो जाए, दूसरा नेट भी हो जाए, ये हो जाए, तब क्लियर कर लोगे, अभी देखा सा पढ़ाई छूट जाए तो फिर दोबारा आने में टाइम लगता है कि नहीं लगेगा। तो जितनी प्रोसेसिंग होती रहेगी जितना आप दिमाग को चलाते रहेंगे उतना ही आपका दिमाग चलेगा और उतना ही आपकी सोचने बढ़ने की क्षमता होगी। क्यों हुआ, क्या ऐसा क्यों हुआ, क्या रिसर्च प्रॉब्लम में
आइडिया का आ जाना, वो क्लिक, ये अच्छा ऐसा हो सकता है आइडिया, वो रिसर्च प्रॉब्लम सोल्व है, रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट करने का। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े वाले तो बड़े बड़े लोगों को ही आए, हम छोटे छोटे लोगों को छोटे वाले आ सकते हैं। हम चाहे वो करोना में कहें, क्योंकि करोना इतना ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक है जो हर जगह अप्लाई हो सकता है, हर जगह अप्लाई हो सकता है, चाहे वो किसी एरिया में अप्लाई हो, क्योंकि इसने सबको इफेक्ट कर डाला है। तो किसी में पता नहीं किसके दिमाग में किस जो जिससे इफेक्ट हुआ हो उसके दिमाग में एकदम आइडिया आता है कि उसके तक ऐसा पॉसिबल है, इस चीज को हो सकता है। करोना की वजह से लोग अब सोशल वर्कर बन गए, कितने सारे लोग, ठीक है, जो नहीं करते तो उनका भी मन करा कि नहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा मुश्किल की घड़ी है कि सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जो लोग इतने इतने कहना चाहिए इतने ज्यादा अलग होके रहते थे, किसी से मतलब नहीं रखते थे, सब बड़े हेल्पफुल हो गए, सब बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिलने लगे, जबकि मिलना नहीं था। मतलब अब एक ये वाली बात कि इसने मतलब अपने जो रियल रिलेशन है उनको तो दूर कर दिया, क्योंकि हम आपके पास जा ही नहीं सकते, आपका कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो हमें दूर ही रहना है आपसे। तो जिसके जो भी उसमें आएगा उसको कोई भी इंट्यूशन हो सकता है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है, कि वो रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। दिल्ली का जो
कहते हैं ना कि अगर बहुत सारे पैसे सेंशन हुए तो आम आदमी तक 1 रुपया पहुंचता है, करोड़ों रुपए सेंशन हुए तो पर्सन 1 रुपया पहुंच रहा है, जिसके लिए हजारों रुपए सेंशन हुए उस तक 1 रुपया पहुंचता है। तो ग्राउंड रियलिटी लेवल तभी पता चलता है जब आप खुद वहां जाएं, वहां देखें, समझ में आए। इतनी सारी पॉलिसीज की ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतने साल का होना चाहिए, इतने साल का होना चाहिए। फिर दिल्ली में तो सब कुछ अच्छे से हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है, लेकिन आप यहाँ की और चीजों की दशाएं देख लीजिए, इतने प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई के नाम पे जीरो है। एक नया ट्रेंड चला है नॉन गोइंग का, ना करस्पोंडेंस वाले हैं ना रेगुलर वाले हैं, कौन है वो? नॉन गोइंग है रेगुलर और आते नहीं है, तो नॉन गोइंग मोड है, तो कोई मोड ही नहीं था। ऑनलाइन मोड तो चल रहा है, करस्पोंडेंस मोड भी चल रहा है, रेगुलर मोड चल रहा है। नॉन गोइंग मोड मोड कौन सा है? जो है एडमिशन रेगुलर और आना उसे कभी नहीं है, पढ़ना उसे कभी नहीं है, एमएससी एमए और सारी डिग्रियां उसे है। तो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो तभी पता चल सकती है जब आपने उसका एक्सपोजर किया हो। उससे भी बहुत सारी रिसर्च प्रॉब्लम जो सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम का सही मायने। बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं बाहर चले जाते हैं, फिर बाद में अपने देशों में आते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं। कब देखते हैं? जब उस लेवल पे वो जाके खुद जाते हैं और देखते हैं, उन्हें समझ में आता है कि यहाँ कितनी क्या रियलिटी है और इस पर क्या काम होना चाहिए, तो वो लोग काम करते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े लेवल पे, और फिर वो उस जब किसी कमी को किसी लेवल पे देखते हैं तो सब कुछ छोड़ के अपना उन जगहों पे काम करने लगते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम का, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप उस लेवल तक पहुंचे, आपका एक्सपोजर उस लेवल पे। कंसल्टेशन आपकी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है।